श्री सिद्धपीठ सालासर धाम के पट गुरुवार 1 जुलाई से आम जन के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल्स की कड़ाई के साथ पालना करनी होगी। मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद मंदिर खोले जाने को लेकर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने मंदिर प्रबंधन कमेटी को निर्देशित किया। राज्य सरकार द्वारा 26 जून को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस व CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा की मौजूदगी में मंदिर प्रबंधन कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के उपरांत जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व CMHO ने प्रबंधन कमेटी के साथ मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के अनुसार श्री सालासर बालाजी मंदिर को गुरुवार से आम जन के लिए सशर्त खोलने का निर्णय लिया गया है। आमजन के दर्शन के लिए मंदिर प्रातः 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा, परंतु प्रसाद व माला आदि को चाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR रिपोर्ट अथवा कम से कम एक डोज वैक्सीन का लगाया होने का सर्टिफिकेट साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आज हमने मीटिंग की है, किस तरह से व्यवस्था होगी उसके बारे में मंदिर समिति उनके पदाधिकारी जगह से बात की है और राज्य सरकार के दिशा निर्देश है उनके बारे में अवगत कराया है। जहाँ तक इसको खोलने का प्रश्न है, राज्य सरकार निर्देशानुसार प्रातः 5 बजे लेके और 4 बजे तक ये खुला रहेगा। इसमें जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए दिशा निर्देश ही दिए गए, या तो उसके पास RT-PCR की रिपोर्ट हो या एक वैक्सीन का लगा हुआ उसका डोज लगा हुआ सर्टिफिकेट हो, उसके बिना किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रसाद वगैरह है, माला वाला, फूल वगैरह, वो चढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा। जहाँ तक जो एंट्री होगी उसमें हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि अब जो एंट्री गेट पर एक काउंटर रहेगा, उसे पुलिस कर्मी रहेगा, एक मेडिकल हेल्थ का रहेगा, मंदिर ट्रस्ट रहेगा, वो आने वाले व्यक्ति को एंट्री करेंगे और उससे पता लग सकेगा कि उसके पास में RT-PCR या वैक्सीन रिपोर्ट है या नहीं है। और अंदर भी जो है, जहाँ पर जो जाएंगे, मंदिर समिति ने आश्वस्त किया है कि जो कोविड उपयुक्त त्यौहार है उसकी पूरी पालना की जाएगी। उसमें जो फर्श है, रेलिंग है, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी व्यक्ति आएगा थर्मल स्कैनर से उनकी जांच की जाएगी और ये जो कोविड उपयुक्त त्यौहार के निर्देश है उसकी पालना करते हुए दर्शन दिलवाए जाएंगे। VIP प्रवेश के बारे में पूछे जाने पर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कहा कि VIP प्रवेश जैसा कुछ नहीं है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को कोरोना प्रोटोकॉल्स की कड़ाई से पालना के साथ ही मंदिर की व्यवस्था के अनुसार दर्शन करना होगा। कोई VIP और कोई सामान्य नहीं है, सभी दर्शनार्थी के रूप में आते हैं। जो एक व्यवस्था है उसके तहत आके यहाँ दर्शन करते हैं। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि सालासर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल्स की कड़ाई से पालना करवाने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। जो श्रद्धालुओं की RT-PCR जांच रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की डोज लिए जाने का सर्टिफिकेट जांचने के बाद ही मंदिर में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। सरकार के द्वारा जो दिए गए जो डायरेक्शंस हैं उनको 100% पालना कराते हुए कल से मंदिर को दर्शनार्थी के लिए खोलने के लिए हमने निर्णय लिया है। और जो दर्शनार्थी आएंगे उनमें फर्स्ट डोज लगा हुआ सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए गेट के ऊपर हमारी पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे, उनका नोट करेंगे, उनका रिकॉर्ड करेंगे। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर चिकित्सा विभाग का काउंटर लगाया जाएगा, जहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व थर्मल स्कैनिंग आदि जांच की जाएगी। जांच में सही पाए जाने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। इस अवसर पर सुजानगढ़ ADM अनिल महला, SDM मूलचंद लुनिया, नायब तहसीलदार सालासर डॉक्टर बसंत कुमार, सुजानगढ़ डिप्टी राम प्रताप बिश्नोई, सालासर थानाधिकारी संदीप कुमार, कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवर लाल पुजारी, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मांगी लाल पुजारी, श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी, उपाध्यक्ष मनोज पुजारी, मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों सहित पुजारी परिवार के सदस्य मौजूद रहे।